वो पंजाबी लड़का था, मैं जाट हूँ, तो पापा ने मतलब बहुत ज़्यादा विरोध किया तो मुझे घर पे कैद कर लिया उन्होंने, फिर मेरा कहीं पे रिश्ता कर दिया। मुझे ये लगता था कि मेरे पापा नहीं करेंगे मेरा रिश्ता, मेरी मर्जी के बिना नहीं करेंगे, मतलब एक भावनात्मक संबंध ऐसा था पापा के साथ कि ये लगता था कि वो नहीं करेंगे। इन्होंने डासना भेज दिया, जेल भेज दिया मुझे, और मोनिका को उसके घर वालों के हवाले कर दिया। एक्चुअल में मैंने मोनिका को एक फ़ोन दिया हुआ था कि कभी कोई मुश्किल वक्त पड़ जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे मुझे कॉल कर देना। तो उसके बाद फिर जब वो यहाँ से गई तो मुझे फ़ोन वो वापस दे के, उसके घर वालों ने वापस करवा दिया था तो मुझे वापस देकर चली गई थी। तो और अपना जो मेरा नंबर था जिससे हम दोनों बात करते थे आपस में, वो दोनों फ़ोन्स मैंने रखे हुए हैं इसीलिए क्योंकि उसे सिर्फ मेरा नंबर याद था, ये दोनों नंबर्स याद थे और भूल नहीं सकती थी इन्हें कहीं भी। तेरी उम्र के बच्चे होते हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं और अंजाम हमें भुगतना पड़ता है, खुशबू समझी। लेकिन a sordid affair that how people have been killed and how difficult it is to actually for individuals to make a choice, you know, it's the most important decision of your life, and that has been, you know, the way it has been dealt by cops and everything. So it's the entire issue of community I really wanted to look into, that what is it that, you know, that actually throws people into, you know, people end up killing their own children. I mean, it's just simply irrational. It doesn't get into your head. So that was the entire thing, that instead of actually just condemning violence by standing out, you actually go deep inside and see what the problem is all about. Mom! जैसे स्कूल जाते थे फिर कॉलेज जाते थे, किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती थी। सुबह तैयार होके गए, क्लास लगाई, वापस आ गए, पढ़े लिखे, सुबह फिर चले गए, मतलब किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब एकदम से मतलब ये दिन ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे और इतना कुछ हो जाएगा एकदम से। हाँ, ये स्कूल टाइम की है मेरी, और ये भी मनोज की स्कूल टाइम की है, ये भी, ये सारी मनोज की है। ओ
आ गया अलग अलग रूप की तरह। तो यू जो तो दसवीं में पढ़े करता क्या हुआ है, दसवीं में पढ़िया था छोटा है जी मासूम सा। एक डेढ़ महीने बाद मनोज ने फ़ोन किया, तब मैं जयपुर थी जब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर चल रहे थे। जो हमें चिंता हो रही थी कि पता नहीं मनोज है कहाँ कैसा है, हमें तो ये भी नहीं पता था ना कि वो बबली को लेके गया है। तो हमें यह संतुष्टि हुई कि हमारा बच्चा है जो हमारा भाई है वो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हमने मतलब हाथ जोड़े ऊपर वाले के कि चलो शुक्र है कि हमारा भाई बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फिर बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे मतलब शादी कर लिया है। बस में बैठे थे मनोज बबली, तो उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी बस के आगे रोक दी। बस में तैयार कर उनका ज़बरदस्ती से इसमें अपहरण कर कर गाड़ी में डाल के ले गए। फिर ये मारकनर ये नहर में गेर दिए। फिर कई दिन बाद पता लग गया भाई हमने तो उनकी लाश भी नसीब हुई, कपड़े जे और इन तय शिनाख्त कर काम ना पता चले। हमें पता था कि हमारे संघर्ष के हिसाब से ये सबसे एक्सट्रीम केस था कि गांव के थे दोनों और एक ही गोत्र के थे। और हमें मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था कि कितना ज़्यादा हमारे संगठन के खिलाफ हमारे काम के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सकता है। घर में एक ही बड़ा लड़का था वो चला गया, पति उनके चंद्रपति जी के थे नहीं, परंतु ये तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो आगे आने के लिए तैयार थी। तो हमें ये लगा कि ये हमारा जो 20-25 साल का जो संघर्ष चल रहा है ऑनर क्राइम और ऑनर किलिंग के खिलाफ, उसमें ये दोनों महिलाएं जो हैं ये एक ऐसी भूमिका अदा कर सकती हैं कि जिसमें आने वाले लड़के लड़कियों के लिए भी एक न्याय का रास्ता जो है वो खुलेगा। तो हमारे बच्चों के साथ हुआ है ये, और किसी भाई या और लड़की के साथ ना हो। जब वो घर से गए जगह जगह हम घूमे फिरे, वहाँ से नहीं पता चला तो फिर लास्ट में हम राजौंद थाने में गए। तो मैंने आपको बताया कि हमने रिक्वेस्ट की उनसे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। इतनी देर में ही जब बबली के घर वालों को पता चला कि ये थाने गए थे, तो उन्होंने हमसे पहले जाके FIR करवा दी कि हमारी नाबालिग लड़की को वो भगा के ले गए और इसमें इसकी माँ का भी हाथ है और ये जो इसकी बहन है सीमा इसका भी हाथ है। फिर हम दोबारा गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये देखो वो लड़की को लेके गया है, इसमें कैसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद से पंचायत का आना शुरू हुआ, ज़्यादा बात बिगड़ गई। तो मेरी माँ को कहते कि तुम्हारे भी दो लड़कियाँ हैं, इनके साथ ऐसा मतलब बुरा सलूक किया जाएगा कि याद रखोगे, मतलब ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। ये जो रोज़ रोज़ की उनकी परेशानी थी मनोज की माँ की और नौजवान बहन की, इससे छुटकारा दिलाने के लिए मनोज और बबली जो हैं वो कोर्ट में ये सिर्फ ये पेशी पर ये बताने के लिए आए थे कि हम दोनों मतलब अडल्ट हैं और हमने अपनी मर्जी से गांव छोड़ने का फैसला लिया है और इसमें किसी भी तरह से मेरी बहन या माँ का मतलब कोई मिलीभगत नहीं और उनको परेशान ना किया जाए। आखिरी बार तो पिपली बस स्टैंड से बात हुई थी, बोला कि सीमा हम जा तो रहे हैं
वो कुछ कहेंगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं पागल है, पुलिस वाले होंगे तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो पता नहीं मुझे उनको मतलब पहले से ही ऐसा डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए हमारे साथ। शाम के 6-7 बजे के करीब, पहले तो बेल जाती रही, उठाया ही नहीं किसी ने, फिर स्विच ऑफ आने लग गया फ़ोन उसका। तो उसके बाद से मतलब और भी चिंता हो गई कि या तो बात करने को कह रहा था, फिर भी मैं ये कह रही माँ कोई बात नहीं है, बैटरी डेड हो गई होगी या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। हमें क्या पता था कि पुलिस वाले ही मर्डर में उनका साथ देंगे। वहाँ से उन्होंने किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उसी रात को उन्होंने वो यहाँ गाँव में खेतों में ला के मतलब इतने बुरे तरीके से मारा उनको। मुसलमान से शादी कर लो, क्रिश्चियन से कर लो, बुढ़े से कर लो, लंगड़े से कर लो, दूल्हे से कर लो, गांव के बाहर किसी से कर लो, गांव में और गोत्र मना करे। ऐसा ये हमारी बेटी है और ये ऐसा ये हमारी बहू है। गांव के अंदर चाहे वो किसी बरादरी से हो, वो लड़की बहन कहलाएगी। सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस बात का समर्थन किया था सरकार में और हमारी पार्टी में, उचित स्थल के ऊपर जो है इन बातों को उठाने के लिए। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं इसमें आपके साथ हूँ। जयपुर टाइम में बनाए बहुत सुंदर है। कब बना थे? मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है समझो। अच्छा, अभी 2-3 साल से ही क्या रहा। यहाँ पर निकलने वाला भी धुक्कर चलता था, चले गए वो छोड़ के। ये ऐतिहासिक चौपाल है, जब से गांव बसा है तब से एक झाड़ है इसके ऊपर, एक दरख्त है। पंचायत वगैरह कभी होती है तो यही पर होती है। ये जो झाड़ है ये हमारा गांव बसा तब से, ये झाड़ का पेड़ है, अब सूखा हुआ है, हरा हो जाएगा। ये तो हटाते नहीं है इसको चौपाल से? ना हटाते नहीं। और यहाँ उपका हुक्का ही हमारी परंपरा भी है, हमारी मर्यादा भी है समाज की। हुक्का बिल्कुल, हुक्का पानी कहते ना, हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये तो है, ये बंद कर दिया तो मैं गया। ये है जो हुक्का। आपने सबके बस की बात थोड़ा है। एक से ज्यादा गांव के समूह जो हैं वो एक खाप, उसका नाम एक खाप है। 10 गांव 20 गांव या एक उत्तर के 20-30-50 गांव जो एक समूह, वो एक उसका नाम खाप है। तो जिस तरह कई बार फैसले हैं, सबसे पहले किसी गांव का जो कोई झगड़ा है, कोई भी सामाजिक झगड़ा है, उसको वो गांव अपने आप निपटाने की कोशिश करता है जी। अगर वो उससे नहीं निपटता तो उसके नज़दीक के 4 गांव 7 गांव वे इकट्ठे होते हैं, उनसे भी नहीं निपटता, फिर वो अपनी खाप जो 50 गांव का, जिस तरह 84 गांव हैं, फिर जिस तरह छोटी कोट, फिर बड़ी कोट, फिर उससे बड़ी कोट, इस तरह फिर खाप की पंचायत हो जाएगी। वो सारे गांव सब मिलकर मौजूद 10 गांव 10 आदमी 5 आदमी 100-200 आदमी सब इकट्ठे हो गए उसको निपटा देंगे। लगाव से ही बनते हैं संबंध। तो मेरा आत्मीय लगाव तो पेंट से पहले बहुत ज्यादा था। जैसे वो सिचुएशन आई कि उन्होंने मतलब इज्जत में से और मुझ में से एक चीज़ को चुना है, तो वो मन में वो दूरियां पैदा हुई हैं।
मेरी एक लड़के से दोस्ती थी, वो लड़का मेरे से मैरिज करना चाहता था। उस टाइम पे मैं खुद मतलब ये सोचती थी कि मुझे स्वतंत्र जिंदगी जीनी है, मतलब मुझे पत्रकारिता के फील्ड में एज ए रिपोर्टर काम करना है, मुझे मतलब किसी के ऊपर मेरे ऊपर किसी की बाउंडेशन ना हो। मुझे ये लगा कि बिल्कुल ही ऐसे लड़के के साथ शादी करने से अच्छा है जिससे थोड़ी बहुत जान पहचान है उससे कर ली जाए, इसलिए मैंने उसको हाँ कर दी। मैंने अपने पापा को बता दी थी ये बात। पापा ने इंटरकास्ट था तो पापा ने मतलब बहुत ज़्यादा विरोध किया। पहले 2-3 महीने मैं बिल्कुल घर में कैद होगी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं सुबह सुबह अड़ गई पापा के साथ है कि मैं तो आज जाऊंगी इंटरव्यू दे के आऊँगी अपना भास्कर में, मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। पापा बोले नहीं जाने दूँ। तो मेरे पापा ने ऐसे मतलब लड़ाई होगी हमारी, मेरे पापा ने मेरे बाल पकड़ के ऐसे पटक दिया मुझे। मेरी माँ छुटवाने आई तो मेरी माँ को भी पटक दिया, मतलब थोड़ी ताकत तो है ही मेरे से ज़्यादा उनकी, फिर भी मैंने भी है ना लात मारी उनको, मतलब खूब वो जो जंगली आदमियों वाली जो लड़ाई होती है वैसी सी लड़ाई हुई हमारी। उस टाइम पे मैं इतनी मेंटली टॉर्चर हो रही थी कि वो कभी हाथ मरोड़ देते कभी मार देते। हमारी जो लड़की ब्याही जाती है उसको हम 7 पीढ़ी का रिश्ता मानते हैं कि भी उसको अगर वो दुख तकलीफ होती तो आधी रात को भी वहाँ पहुँचना, हमने उसके बच्चों की शादी होगी तो हमने भात बनना है, उसके बच्चों की भी उनके यानी पोते नातियों की शादी हो तभी वहाँ में जाते रहते हैं। यानी 7 पीढ़ी का रिश्ता नाता है और वो रिश्ता नाता आपसी में ही निभता है, ज़्यादा हाई और लो में नहीं निभता। फिर दूसरी बात है जो बच्ची मतलब अपने माँ बाप की आकांक्षाओं को ठुकरा कर जाती है उसे दर्द तो होता ही है ना, दर्द तो होता ही है ना कि भाई मैंने इतना कुछ किया है और हम इतना कुछ कर रहे थे, इवन हम लड़की को देते हैं कितना दान देते हैं घर में उसको भर बसाने की उसको जरूरत नहीं कोई चीज़ लेने के लिए, सब कुछ देते हैं जो है भी बैठे ना ये सब लड़के बहू का आया हुआ है ना, यानी कि हर चीज़ जितना भी बर्तन है कपड़े हैं लत्ते हैं और कुछ भी जो चाहिए सब कुछ देते हैं, खुशी देते हैं। तो फिर वो लड़की जो है इस तरह से माँ बाप का जो है छाती पे पार रख कर चली जाती है तो दुख होता है और कोई बात नहीं है। अंतरजातीय विवाह में कति कोई किसी किस्म का वो नहीं। ये जो हम कहते हैं ना कि जाति पाति तोड़ो कोई जाति पाति नहीं, उसमें क्या है कि स्वर्ण जाति का आदमी तो उससे बचे थोड़ा बचता है, नहीं तो नहीं बचता है सारे समाज में कहीं नहीं, और जो दूसरी वो है दलित वर्ग वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसमें वो एक कम एक होना चाहते हैं क्योंकि सरकार चाहते हैं कि स्वर्ण जाति के अंदर तुम्हारी लड़कियां जाएं। नहीं लड़के नहीं लड़के लड़के कोई भी समाज को और उस गोत्रवाद को तोड़ने की कोशिश है जिससे समाज को झटका लगता है। जिन लोगों ने परंपरा बना दी भाई अपनी जाति में अपने गोत्र में अपने गोत्र से अलग और माँ का दादी का ये छोड़ के गोत्र शादी करनी चाहिए, लेकिन वो इस बात को नहीं देखते, वो तो कई बार गोत्र की लड़की को लेके भाग जाते हैं शादी करा के कोर्ट का संरक्षण लेके वापस आ जाते हैं, उसको कितना बड़ा बुरा मानता है समाज। वो एक तो वो टकराव उस उम्र के ना तो लड़कों को हक है पुरुषों को हक है ना महिलाओं को हक है, वो आयु समाज के हिसाब से इस प्रकार की अभी तक परिपक्वता नहीं आई है कि लड़कों मतलब पुरुषों को भी हक है शादी करना कहीं कर ले, कानूनन तो कहीं कर लो, सामाजिक तौर पर कहीं करना और समाज में सर्वाइव करना ये देखना। मोनिका ने मुझसे हमेशा कहा तुम एक लड़की को गोद लेना चाहती हो और फिर मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़की को कैसे पाला जाता है। वो
मणिकर मैं पहले जो मिले थे वो इंटरनेट पर मिले थे, चैट रूम में मिले थे, वहीं से हमारी बात शुरू हुई थी और हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया था। मैंने उससे सारी बातें झूठ बोली। मैंने कहा कि मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूं और मुझे, उसने कहा कि तुम क्या करते हो, मैंने कहा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर वालों के पास इतना पैसा है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और बस मैं उस पैसे को खर्च करता हूं पूरा दिन। तो उसने फिर उसने कहा कि तुम जैसे लड़कों से तो बात करना पसंद नहीं करती और तुम लोगों को कोई परवाह नहीं होती किसी भी चीज़ की, कि घर वालों की या किसी की फीलिंग्स की। मोनिका ने ये कहा था कि तुम जैसा सोच रहे हो कि तुम मुझे पटा लोगे और जैसे तुम जैसे लड़कों की जैसी थिंकिंग होती है तो मैं वैसी नहीं हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मुझसे बात करना बंद कर दो। मैं बहुत ही शॉर्ट हूँ, बहुत मोटी सी और काले रंग की हूँ और चश्मा स्पेक्स पहनती हूँ और मेरे बहुत लंबे लंबे बाल हैं। 9th में ही मोनिका के फादर एक्सपायर हुए तो उसकी बड़ी बहन की ज़बरदस्ती शादी कर दी गई, फिर उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, कहने लगे अब इसे घर से बाहर मत भेजो, बाप सर पे नहीं है, उसे ताने मिलने शुरू हो गए घर से खूब सारे। फिर उसके बाद एक साल घर पे ही बैठी रही वो, फिर दोबारा ओपन यूनिवर्सिटी से 12th के एग्ज़ाम दिलवाए गए। बहुत ही लड़ झगड़ के पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए घर वाले एग्री हुए, तो वो यही कहती थी कि हमारे यहाँ पे लड़के चाहे तो डेली के 1,000 रुपये उड़ा सकते हैं, अपनी अयाशियाँ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लड़की अगर पढ़ना चाहे आगे और अपने मनपसंद कॉलेज में या किसी में और आगे कुछ करके बढ़ना चाहे, आगे करके कुछ दिखाना चाहे, तो उसके लिए इनके पास पैसे नहीं होते। PSC के बाद उन्होंने आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया, फिर उसने ज़िद भी करी कि मैं मास कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके भाई ने कहा कि नहीं तू नहीं करेगी और मास कम्युनिकेशन करना चाहती है तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढ मास कॉम का जिसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों। तो उसने कहा कि भैया ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट होगा मास कॉम का, तो कह रहा फिर रहने दे मत कर, वो कह रहा कि प्लस ये भी शर्त है कि उसी इंस्टीट्यूट के अंदर गर्ल्स हॉस्टल भी हो, बाहर नहीं जाएगी। तो उसने फिर एक दिन गुस्से में फिर यही कह दिया कि भैया एक बात बताओ कि क्या तुम मेरी शादी भी एक लड़की से ही करोगे क्या। कितने ही भी मतलब है बुद्धिजीवी, कितने भी बच्चे हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण तो होगा और आकर्षण अनैतिक होगा, अनैतिक आकर्षण होगा वो। ये नहीं है कि सभी एक नाम है शादी कर लेंगे और वो बड़े ठाट से रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ का जो है हम ये सही नहीं मानते हैं कि भाई कोएजुकेशन सिस्टम जो है, जो ये हमारे देश में चला है, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हमारे लिए हो रहा है। टेलीविज़न में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, जो आंधी आ रही है, जो फिल्में बन रही हैं, है ना, वो जितनी अश्लीलता है या हमारे परंपराओं के विरुद्ध भी बन रही हैं भाई। किसी किसी को तो आप 100% नहीं, किसी के 1-2% तो ठहरा सकते हैं, ठीक है, कहीं किसी पर अन्याय हो गया, कोई बात होगी, लेकिन अधिकतर तो माँ बाप तो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। माता पिता तो एक संरक्षण देते हैं, जान देते हैं, कुर्बानी देते हैं अपनी, फिर वो बगावत पर क्यों आते हैं? कारण एजुकेशन और TV। तीसरी बात है मोबाइल। जब तक तो ये मोबाइल का चलन होता है, लड़की बिस्तर में पड़ी पड़ी टेलीफोन अपने उससे बात कर रही है ना, माँ बाप को पता नहीं है क्या हो रहा है, क्यों, क्या उसको अपनी पवित्रता का ख्याल नहीं है? क्या किसी की जब कल बीवी बनेगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा इस तरह से? और फिर कितने मित्रता, कितनों के साथ मित्रता करेगी? ना मांग ना मुझसे कभी आजादी की भिक्षा, डोरी है मेरे हाथ में, मैं लूंगा परीक्षा। एक एलिमेंट होता है कि तुम जाट हो और तुम ये प्ले बना रही हो, उसके चलते आई मेट सर्टेन पीपल हु टेल मी तुम अपनी जड़ें काट रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, तुम यहाँ पे आके भूल रहे हो तुम आई कहाँ से हो, एंड सर्टेन सच स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स आई वुड हिट मी हियर। बोलने के बाद वो आती है माँ कह के भागना शुरू कर। यार एक चीज के लिए माय फादर वाज इन थिएटर एंड आई हैव बीन टोल्ड नाउ ही इज नो वन इन दिस वर्ल्ड एंड आई हैव बीन टोल्ड एट द एज ऑफ 19 ही एंड हिज फ्रेंड्स दे हैड मेड अ थिएटर ग्रुप जहाँ जिसके टिकट्स होते थे व्हाटएवर। सो आई नो ही इज वेरी वेरी मच इन्वॉल्व इन टू इट एंड ही इज वेरी गुड एट इट। सो पता नहीं आई वाज लाइक एंड पीपल टेल मी माय फीचर्स रिजेंबल हिम। So I was like, maybe if I'll go there, I'll do good and I'll see what
of my father I have in me. Tujhi main hom kara liya teethi yo bariya laado lagn likha tha chauthi mein vyah kara liya. I've heard my relatives talking about things happening. I've heard my family members talking about things happening. I mean, I've heard people, not just read, not just seen it in TV, heard people whom I know talking about it as if it's a normal thing. So we decided this year, this would be the topic for our play. And I was chosen as the director, one of the directors. We have another director as well. Aao Chaudhary, puri biradri ki dhoo ho rahi hai. बोलो क्या करना है? उन्हें पता निकाल दिया है। बलवंत जी आप बताइए। जब पता मेरी गया है तो क्यों इतने ताने सुनाए? मेरी बेटी मिलने के बाद एक दिन का इंतजार नहीं किया था उसे खत्म करने में। Somewhere, हाँ, I am criticizing where I'm coming from. And when that thought strikes me, I do not feel nice. And I would think about, is there a way I shall stop doing this play? बट वहाँ की जो यादें हैं वो आती हैं तो लगता है दैट समथिंग रॉन्ग हैपनिंग दैट नीड्स टू बी स्टॉप सो व्हाट टू डू गोत्र सिस्टम इटसेल्फ आई वाज ऑलवेज मेड टू बिलीव दैट एक गोत्र के लोग भाई बहन होते हैं एंड सीरियसली गांव में एवरी यंग गाय आई वुड कॉल मामा बचपन से एंड आई वुड ऑलवेज फील नाइस अबाउट दिस बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेल माई सेल्फ कि वो जो मामा है वो उस मौसी से शादी कर सकता है Isn't this incestual? ये लोग खड़े होते हैं सर्कल बना के तुम लोग ऐसा कर सकते हैं ना गाने का मतलब क्या है इसी गाने का कहने की चार वो है उभरी है लाइफ की और पहली तब हुई थी जब मैं पैदा हुई थी दूसरी जब होम हुआ था उस दिन का बच्चा होता है ना हवन करते हैं होम तीसरी में लगन लिखा था और चौथी में शादी हुई और मेरी लाइफ पूरी हुई मेरे पापा के घर में जो चार कमरे थे उन चारों में आज दिए जल रहे I put a spell check on my one word, no? So I forgot. That hardly a word, no? What words did you misspell? Honor. Starting there. The problem is that I want to use it as the Americanized one, XOXOR, but he doesn't like it. They are not rooted in our culture. Is that the line that you're doing? You know, there's this one interview I did with Mahinder Singh Thakran, and I've mentioned it in the paper, in the media section. Where I asked them actually that you know what do you have to say about media role, but they're critiquing the things and you know how do you respond back and what do you feel about all of that? I'm doing my MPhil in political science from Delhi University, and I'm working on different optional papers. One is on media and society, where I'm trying to look at the issue of honor killings and role of cops in Haryana. हमने सुल्तानपुर शादी की है तो रविंदर से पूछा गया उस टाइम पे तो इसने भी मना कर दिया तलाक के लिए तो फिर पंचायत ने आते यहाँ पे पंचायत की दोबारा से ढराना में कि बोलो तुम गांव नहीं मतलब कि तलाक नहीं दे सकते तो गांव छोड़ो I interviewed people from Aidwa whole lot of leftist resistance which is happening. Then I interviewed some academicians who have been working or have a standpoint. I interviewed these people from CARPS who are heads and everything, pradhans. And all of them have been close family friends. Before you decide you're going to defend or criticize, the first thing is that you do your research. Since you belong to the same community, you know, immediately your folks and your community people will come and tell you that, you know, oh God, these kids are completely alienated. They are completely in a different world. I have also been brought up in an atmosphere where I have been not allowed to do certain things, in fact most of the things, where you are told that you know you should not have a viewpoint of yours, why do you need it? Especially when you say that has it been easy for me as a city girl and all, I would say yes, in terms of this that I knew what protest is all about, I had this theoretical kind of framework, so I knew that I was not doing something wrong. I didn't have much of the experience in rural areas or villages, but I would say that there it's kind of really difficult to resist. And irony is, more resistance is coming from the rural areas. Rishi Muni, Raja Maharaj.
ओरल किलन के अंदर थ्रू आउट हरियाणा बाकी का अमेरिका से कोई सिंगल एग्जांपल भी आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर पंचायत ने इसको प्रोत्साहन किया। मनोज बबली का जो कांड था उसमें जिसका नाम है खाप प्रधान के बारे में, तो खाप का कभी मेंबर तक भी नहीं हुआ। गंगराज ना तो किसी खाप का रिप्रेजेंटेटिव है, ना किसी खाप का मुखिया है, ना किसी खाप का ऑफिस बॉय है। महापंचायत के फैसले के मुताबिक मनोज बबली के हत्यारों को सजा से बचाने के लिए खाप महापंचायत पैसे जुटाएगी और उनकी मदद करेगी। सारे गांव ने सामाजिक बहिष्कार उनका कर दिया। रिश्तों को कलंकित करने वाले इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बात सुनने लाली हमने तो समाज का नाश कर दिया। अच्छा बात तो ये नहीं बोलोगे आप। मेरा नाम गंगाराज है जी। एक तो हमारी लड़की चली गई और दूसरा हमारे ऊपर जो उठा मुकदमा उस लड़के की माँ ने इस परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, इससे सारे गांव में आक्रोश हो गया। बहिष्कार में क्या होगा? बहिष्कार में 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। जो आदमी उसके साथ बात करेगा या उसके संपर्क में आएगा या उसको कोई लेन देन करेगा या कोई उसको सामान देगा लेगा, 25,000 रुपये उसको जुर्माना लगेगा। और जो बहिष्कार उस औरत का हुआ है, जो उसके साथ संपर्क रखेगा उसका बहिष्कार भी होगा। दूध लेने गई मेरी माँ तो उसने दूध देने से मना कर दिया। हमने एक जो भैंसों के लिए चारा है उसका कूप ले रखा था चारे का, तो उन्होंने मतलब पैसे दे रखे थे हमने, वो मतलब घर डालना था, वो रह रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बेचेंगे, बेच दिया था वो हमें, हमने पैसे भी दे दिए थे उनके, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं बेचेंगे, ये पैसे ले लो अपने वापस। मनोज बबली की जो अस्थियां थी यह जगमती मैडम से मंगवाई थी रोहतक से, उसके लिए अस्थि कलश की ज़रूरत होती है, तो वो मेरी माँ कुम्हार के पास गई लेने के लिए, तो कुम्हार ने मना कर दिया। मैं और मेरी माँ अगले दिन सुबह वाली बस में 5:30 बजे उठ के जो पास का गांव है, मेरी सहेली है वहाँ की, तो पहले उनके घर गया हूँ, उनके साथ उस गाँव के जो कुम्हार हैं वहाँ से लेके अस्थि कलश घर लेके आए, फिर उनका विसर्जन किया। गांव में मतलब कोई भी मौत हो जाए, बड़ा बूढ़ा बच्चा कोई भी, तो गांव में गांव वाले सब बैठने आते हैं, तो बैठना तो दूर की बात है, मतलब अस्थि कलश देने से ही मना कर दिया, तो ऐसा तो मतलब मनोज ने कोई बुरा नहीं किया था किसी का। एक ही गोत्र में शादी होगी तो हम उसका हर्ष कठोरी करेंगे, अच्छा कड़ाई निर्णय लेंगे, और जो कुछ वामपंथी संगठन ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा उन भाइयों से गुजारिश है कि पहले वो अपने बेटे और बेटियों की शादी आपस में करके दिखाएं, कोई भी अपने यहाँ करके दिखाएं, दूसरों के घरों के कांडों को इस तरह उछाल कर कि कभी महिला आयोग आए, कभी कितने इतना बेइज्जत करके ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये उस शहीद भगत सिंह की बात करते हैं जो जाट परिवार में पैदा हुए थे। हत्याएं करना ये कहां तक उचित है? नहीं, हत्याएं करना तो देखिए गलत है, पलत मान सकते हैं, पर ये है कि अगर ये चीज़ जो हुई है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप ये सोचिए इसकी जगह 10 से 100 भी हो सकते थे, 100 से 200 भी होते, रिलेशन और बढ़ते ही जाते हैं, जो चीज़ समाज में हमारे लिए बहुत गलत हो। तो हम एक जाट समाज के अंदर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी बहन भाई का रिलेशन पति पत्नी में तब्दील हो। रिश्तों को दागदार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, इससे भी कड़े कड़े कदम उठाए जाएंगे। और हमने जो यानी कि आप हत्या से भी आगे जा सकते हैं, हत्या तो एक बात देखिए, हत्या की तो बात ही कुछ नहीं है, अगर समाज में इस तरह गंदगी फैली और आपके बेटा बेटी आपस में शादी करने लगे, मैथुन क्रिया करने लगे, तो ये समाज ही नहीं रहेगा, हत्या की क्या बात है। खाप
खापों के बीच में से निकल के आना जाना इतनी छोटी बात नहीं है, तो फील भी हो रहा था। पर जो सीमा की और सीमा की माँ की मासूमियत को देखा ना, कि वो बार बार मेरे पीछे पड़े रहे, कहते जी हम तो आपको वकील करेंगे, हम तो आपको वकील करेंगे। इवन लास्ट में बल्कि मैंने ये सोचा ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, तो मैंने इवन उनको ये समझ गया कि भाई ये मैं अब लास्ट एक मतलब है ना एक ऐसी बात कह दूँ ताकि ये मेरे को ना करें। मैंने उनसे है ना बहुत ज़्यादा फीस मांग ली सिर्फ ना करने के लिए, ताकि ये फीस दे नहीं पाएंगे और मैं अपने ठीक है। तो मैंने उनको अमाउंट इतना बता दिया कि मैंने कहा जी मैं तो इतने चार्ज ही लूँगा, इतने दूर जाना पड़ेगा। तो सीमा ने एक सेकंड नहीं लगाया, कहते यस सर आप हमारा मुकदमा लड़ें। फिर मुझे बड़ा फील हुआ, मैं कर नहीं, अगर इतना ये फेथ कर रही हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, इंक्वायरी करके आए हैं और इतना ये मेरे पर वो कर रहे हैं, तो मैं करना, अब तो मैं अगर इनका वकील नहीं होगा ना तो ये मैं भी इससे इनसे ज्यादती कर रहा हूँ। फिर जब ट्रायल शुरू हो गया केस का, तब इन्होंने सोचा कि अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, अब मतलब कोशिश करते हैं समझौता करवाने की। तो काफ़ी बार तो ये ऐसे ही आए, कभी 10 कभी 5 कभी 20 ऐसे इकट्ठे हो गए। फिर इन्होंने अलग अलग गांव से इकट्ठे किए, पता नहीं कितने, तो उस दिन हमारे घर आए तो ऐसे ही बात करते रहे कि देखो वो तो वापस आने वाले हैं नहीं, और ये वो गंगाराज न्यू कह रहा है कि भाई इतने पैसे दे देंगे, इतने करोड़ दे देंगे, जितने भी मांगे तुम तो मुंह खोलो का भाई, मुंह खोल कर जितने भी मांग लो उतने ही दे देंगे, और तुम है ना उन्होंने निकलवा दो। ये अक्यूज्ड कस्टडी में थे, लेके गए करनाल कोर्ट में, एविडेंस पे केस लगा हुआ था। तो मैं अंदर कोर्ट में था, सीमा जैसे बाहर गई तो मीनवाइल बबली के भाई ने उसको थप्पड़ मारा। सामाजिक दबाव की वजह से भी क्या अक्सर ऑनर किलिंग्स हो जाती है? कई बार सामाजिक दबाव से ज्यादा डिप्रेस हो जाता है आदमी, भाई समाज में तो बदनामी होगी, समाज के लोग भी कहना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से भी हो जाती है। लेकिन फिर क्या खाप के एक फैसले से बहिष्कार करना या हुक्का पानी बंद करना जैसे कहते हैं या गांव निकाला देना, क्या इससे भी सामाजिक दबाव नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, लेकिन उसमें एक बात और होती है ना, जहाँ थोड़ा सामाजिक दबाव एक परिवार पे बना तो वहाँ दूसरे लोगों को शिक्षा मिलती है उससे। अब हमें तो ये देखना है ना फ़ायदा किस चीज़ का है। अब 100 में से एक परिवार के ऊपर दबाव पड़ता है और 99 के ऊपर ये प्रभाव जाता है, भाई तुमने भी ऐसा किया तो गलत हो जाएगा भाई। केवल हत्या ही नहीं की जाती, बहुत कई बार तो निर्ममता के साथ मतलब उनको इस तरह से मारा जाता है। और यूपी के एक दो गांव का तो आपने उदाहरण देखा हो, तो मार के पेड़ के ऊपर लटका दिया था कि कई कई दिन तक, ताकि लोग देखें और उससे सबक लें। जो हमारा तरीका था बात करने का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था, तो मतलब कि एक इंटरेस्ट आता था कि मैं इस तरफ से मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, वो एक्सपेक्ट करती थी कि वहाँ से क्या जवाब आएगा, मैं इधर यहाँ पे एक्सपेक्ट करता था कि इस वक्त ये लड़की क्या जवाब देगी। फिर उसने बताया कि हाँ कि मैं भी कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसे मैंने तुम्हें बोला, और बस हाँ ये है कि मैं बहुत स्टडीज़ करना चाहती हूँ आगे और जॉब वगैरह करना चाहती हूँ और ख़ुद अपनी मेहनत से सब कुछ लेना चाहती हूँ जिन चीज़ों के लिए मुझे बचपन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। असली जो हमारा रिलेशनशिप डेवलप हुआ वो उन्हीं दिनों हुआ जब बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उसने कहा कि आज तक मेरा कभी किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, ये पहली बार है और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इस बारे में सोचा। जब घर वाले मुझे लड़के दिखाते तो वही मुझे मतलब वो देखने आते,
वो पूरा सिस्टम जिसमें वो खूब दहेज लेना है देना है, मैं कितनी सुंदर हूँ कैसी हूँ ये सारी चीज़ें देखना। एक रिश्ते वाले आए तो उन्होंने पूछा कि भाई घर का काम आता है? मैंने कहा आता है, लेकिन मैं केवल ये काम नहीं करूँगी। तो इस पे ही पापा ने ये कहा कि भाई कौन पसंद करेगा तुझे। बाय द टाइम आई फिनिश माई 12th 18 यू आर राइट, सो थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। थैंकफुली थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 18 एट लीस्ट, यू नो आई एम फॉर्चुनेट दैट वेज, वी लिव इन अ सिटी एंड ऑल। सो थिंग स्टार्टेड फ्रॉम देन, आई मीन आई वॉज I met so many guys, two or three families when I was 18, 19, 19 and a half. There have been talks like, okay, fine, शादी कर देंगे, maximum क्या है, graduation करा देंगे, kind of रिश्ता was पक्का type. I just didn't happen. I'm thankful. So this guy tells me that, you know, he was an IITian and he was doing his MBA from I think XLRI or I don't know, from IIM Ahmedabad, I don't even remember, I don't care. So this guy tells me that, you know, मेरे घर में western कपड़े नहीं पहनते. Even though I was wearing a suit, I don't know why, I was wearing a regular kurta. So then he was like, "Hamare ghar mein naukar chakar nahi hote, so you have to do your own work, mopping, sweeping and everything." I was like, okay. And then he tells me that, "Achha, ab aage kya karna hai, padhna varna hai." And then he suddenly jumps on to saying that, you know, he was doing his internship, I guess. I think, you know, I'll, you know, stick around with this job and all, and then we'll get shifted to Australia. Ab zindagi to hame hi batani hai, to you know, he had this entire plan and he has all kind of horrible things. He's telling me all those things in my house. Us din main taiyar nahi hui, matlab main aise hi purana sa suit pehne hui thi, chehra matlab main muh bhi nahi dhoya, is tarike ki usme thi ki unko thoda sa to ye lage ab aas ho ki bhai ye ladki khush nahi hai is rishte se. Uske bawajood bhi unko bhi ladki hi chahiye thi. जब रिश्ता फाइनल हो गया तो बिल्कुल ये हो गया कि अब तो मतलब निकलना ही है घर से. फिर मैंने जब जनवादी महिला समिति की जब सविता से बात की, वो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थी पानीपत में, तो उन्होंने कहा यहाँ समालखा में आ जाओ आप. तो मैंने एक डर था कि भाई पता नहीं कैसे किस तरीके के उसमें रहूँगी मैं, और महिला समिति कौन है, कैसे लोग हैं. मोनिका ने मुझे फ़ोन पर बताने लगी कि मेरे घर वाले मेरी शादी तय करने कर रहे हैं और मेरा घर पे घर से निकलना बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया, और ये कह दिया कि घर के सामने भी अगर कोई कॉलेज होगा तो उसमें भी तुझे पढ़ाई नहीं करने देंगे. 1 जुलाई को मेरे पास फ़ोन आया कि किसी भी हाल में तुम दोपहर को आ जाना. फिर उसके बाद मोनिका अपने घर से निकल गई, मैं उसे वापस दिल्ली में ले आया. फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए वो अप्लाई करने लगी कॉल सेंटर वगैरह में. 3 जुलाई को उसने फ़ोन किया कि मम्मी मैं दिल्ली वापस आ गई हूँ और तुमने भी मेरे साथ धोखा किया वहाँ मुझे बुला के, और मैं अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती जैसे तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ. आर्य समाज में 6 जुलाई 2009 को हम दोनों की शादी हो गई. शादी के ठीक 6 दिन बाद यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, मोनिका के घर वाले सारे मेरे घर पर आ गए. मैं घर से बाहर था, ये एकदम से घर में चले गए, इन्होंने फ़ोन वगैरह छीन लिए सारे और मेरे को ढूंढने लगे, कहने लगे उसके ख़िलाफ़ FIR लिखवाइए. फिर अपने घर का मैंने देखा सिचुएशन, तो सारे रिवॉल्वर वगैरह लगा के आए वो सब, और मोनिका को खींच रहे थे ऊपर से. फिर मैंने सरेंडर करा, फिर सर्टिफिकेट की कॉपी दिखाई इन्हें शादी की, मगर इन्होंने फाड़ दी, कह रहे हम मानते नहीं हैं ऐसी शादियों को. मैंने एक लेटर लिखा पेरेंट्स के नाम में कि मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने मना किया कि मेरी शादी मत करो. उसके बाद भी आपने रिश्ता कर दिया, अब इस चीज़ को आप ही भुगतोगे. मेरी मम्मी ने मुझे लिखते हुए देख लिया था, तो उन्होंने मेरे पापा को बता दिया कि वो लिख के चली गई है. मेरे ऊपर वो सिचुएशन इतनी ख़तरनाक बन गई उस टाइम पर, जैसे लड़कियों का अमल मर्डर करते हैं ना, बिल्कुल वो सिचुएशन थी. एक कमरे में TV चल रहा है, मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों बहनें हैं वो एक कमरे में हैं, मेरा ताऊ, मेरे ताऊ के 2 लड़के और मेरे पापा, मामा, मतलब 4-5 लोग ये एक कमरे में हैं. मेरे फादर को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा, तो मेरे फादर ने आके मुझसे कहा कि चौकी इंचार्ज जो है संजय शर्मा वो ये कह रहे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करा देता हूँ, 50,000 रुपये लगेंगे, और एक ये स्टेटमेंट दे दो कि हमने शादी गई थी लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अलग हो रहे हैं. मैंने कहा मैं मोनिका से बात करना चाहता हूँ. तो मैंने पूछा तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे घर वाले हम दोनों को मार देंगे? उसने कहा कि हाँ हो सकता है. तो मैंने कहा आप बताओ आप तैयार हो इतना बड़ा हम स्टेप लेने जा रहे हैं? उसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ. बस इतनी बात मेरी लास्ट टाइम मोना से हुई थी. फिर मैंने मना कर दिया चौकिन चाहू, मैंने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा.
तो उसके बाद फिर गुस्से में ये ज़बरदस्ती फिर मुझे चाचा और भाइयों के साथ गाड़ियाँ बिठा दिया यूपी पुलिस ने, और दूसरी गाड़ी में दूसरे चाचा के साथ मोनिका को भेज दिया। मुझे साहिबाबाद थाने लेके चले, रास्ते में मुझे ट्रक के नीचे दरवाज़ा खोल के इन्होंने यूँ कहा गाड़ी का कि तो ट्रक के नीचे दे देंगे और तू स्टेटमेंट दे दे ऐसी ऐसी कि मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ। अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो सच सामने लाने के लिए नहीं, वो सिर्फ जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसे सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या की है अभी तक उसका उसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई है कोर्ट में। और ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि किसी ने उसकी बॉडी को देखा हो या किसी ने उसे मरा हुआ देखा हो। तो जहाँ तक अभी जो सर्कमस्टांस हैं तो उससे तो यही मुझे अभी भी लगता है कि वो ज़िंदा है, और पूरी श्योरिटी भी है मुझे कि कहीं ना कहीं इन्होंने उसकी शादी कर दी है। एक्चुअल में मैंने मोनिका को एक फ़ोन दिया हुआ था कि कभी कोई मुश्किल वक्त पड़ जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे मुझे कॉल कर देना। तो उसके बाद फिर जब वो यहाँ से गई तो मुझे फ़ोन वो वापस दे के, उसके घर वालों ने वापस करवा दिया था तो मुझे वापस देकर चली गई थी। तो और अपना जो मेरा नंबर था जिससे हम दोनों बात करते थे आपस में, वो दोनों फ़ोन मैंने रखे हुए हैं इसीलिए क्योंकि उसे सिर्फ मेरा नंबर याद था, ये दोनों नंबर्स याद थे और भूल नहीं सकती थी इन्हें कहीं भी। I was new to a school. I had some friends. She was one of them. And she had very short hair. And I was like, how come? I saw her photograph in a magazine and she had those aise karke choti jo double karke, and I was like, ha, like itne lambe baal the tere? She's like, ha. And then there was a silence, awkward silence. Somebody later on told me that because her father thought she was too much involved into boys and all, too much too much involved into boys, so too much worried about her beauty and all, so he shaved her hair. Mere taau ka ladka tha, उसने एक डंडा ले रहा था, वो उसने मेरी आँख पे इतना जोर का यहाँ पे डंडा मारा। उसने कहा कि हमने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, लड़का पसंद करने के लिए नहीं भेजा था। और वो मेरा मतलब मेरे ताऊ का लड़का, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। मेरा जो रियल ब्रदर है उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उस मेरे भाई से। And sometimes she would wear so long socks, and I, आज क्या हो गया भाई तुझे? Then somebody will tell me my ear ki iske paon pe nishan hai because her father has beaten her up. Okay. And then my exams were going on. I remember seeing her. She was quite sad. Her eyes were red. Usne sir pe kuch bandh rakha tha and all. I was like, isse to itni thandi lagti hai ki isse to kuch bandh kya hai. But I was a padhai karne wala bachcha, so busy revising, not caring to
go and talk to her and all. I thought, बाद में मैं बात करूंगी, शायद she's upset. मेरे ताऊ ने कहा ठीक है तू चली जा यहाँ से जहाँ जाना है, लेकिन तू हमें यहाँ शक्ल नहीं दिखाएगी कभी भी. मैंने कहा ठीक है नहीं दिखाऊंगी. किसी को बोले कि आस पास कहीं नज़र नहीं आनी चाहिए. मैंने कहा नहीं नहीं मुझे, मैं भी छिक गई हूँ तुम लोगों से. The next day I get up and my mother is like, where's the newspaper, where's the newspaper? My mother is not giving me the newspaper. I get hold of the newspaper, I read that such and such girl, such and such place has burned herself alive and she's dead. And she was my classmate. वो समझी वो मेरे पिता हैं, मेरे मन को जानेंगे. मेरे मन को जो भावेगा वो उसको अपना लेंगे. पर मान की खातिर काट दिया उसे जिंदा ही धरती में पाट दिया. मान की खातिर काट दिया उसे जिंदा ही धरती में पाट दिया. तड़पती आत्मा कहे छोड़ के बंधन सारे, चल तोड़ के बंधन उड़ जा रे. सिंपल क्वेश्चन आई टू आस्क देम एंड दे टू टेल मी दैट यू नो शादी कर लो क्या करोगे करके, मतलब यू नो पढ़ के इतना ज़्यादा किताबें क्या कर लोगे, घर बैठ के भी पढ़ सकते हो. डोंट आई हैव अ लाइफ, डोंट आई हैव एम्बिशंस, डोंट आई हैव यू नो, आई वांट टू मेक रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस इन माय लाइफ, सो आई शुड बी गिवन अ चांस एन अपॉर्चुनिटी. सो इट हैज़ बीन अ होल लॉट ऑफ स्ट्रगल. इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर आई थिंक पास्ट 6-7 years. इट्स स्टिल गोइंग ऑन. इट्स गोना आई थिंक इट बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो आई डोंट सी इट एज अ स्ट्रगल एनी मोर. इट्स जस्ट बीन देयर. आई फील एज इफ इट्स ऑलवेज बीन देयर. फिर सुबह वो मेरे पैर पकड़ने आए, मैंने उनको मना कर दिया कि मैं तो जाऊंगी. बस वो रो पीट के, उस दिन पहली बार मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा था. इमोशनल मैं भी हो रही थी, लेकिन दिल कड़ा खा करके मैं घर से निकल के आ गई. जाते ही मुझे बहुत आज़ादी महसूस हुई. बहुत मतलब ऐसे बिल्कुल घुटन भरा वातावरण. 3 महीने का आप पीट रहे हो, इतनी ज़्यादा दिमागी रूप से परेशान कर रखा है आपको. सविता जो हमारी जनवादी महिला समिति की हैं, उनके साथ में उनके कमरे पे चली गई. मेरे कपड़े तो आप पसंद करवा रहे हो कि ये कपड़े मतलब कौन से कपड़े पहनेगी, कौन सी टूम बनवानी है, कौन सा गहना तुझे पसंद है. दूसरे जिस लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी मुझे रहना है, ये फैसला आप करोगे कि इसके साथ रहना है या इसके साथ रहना है. मतलब वो तो मैं तय करूँगी ना कि मुझे किसके साथ रहना अच्छा लगता है, तो मैं उसके साथ रहूँगी. ये राशन कार्ड वाली फोटो बड़ी बनवाई है, क्योंकि पिछले राशन कार्ड वाले पिछले राशन कार्ड में मनोज की फोटो है. अब की बार जो बनेगा उसमें तो होगी नहीं, अब ये बड़ी बनवाई है. ये पिछली वाली है, हां साफ नहीं आई है. अरे साफ जैसे समझौता करवाने वाले आते थे, फिर ये था कि या तो वैसे ही कर लें या फिर कोई डर ऐसा मतलब पैदा कर दें कि डर के कारण कर लें या फिर पैसे दे के कर लें. तो ऐसे ही एक उनका रिश्तेदार था, हमारे घर आया और उन्होंने कहा कि बुआ समझौता कर लें और ठीक रहेगी. दो बेबे हैं, एक को भाई रह रहा है, तो इसका इनका गला कुछ कर दिया तो फिर कड़ा लगेगी. दो फिर उसका जाने के बाद मेरी माँ ने कहा बेटी इनका देखे जित मतलब भाई का कुछ कर दिया या तारा कुछ कर दिया तो फिर मतलब के रहेगा. मखमा
मतलब या तो मतलब सोचे ही है कि भाई या तो डर या पैसा, पैसे तो काम चला नहीं भी इनका, पैसे देने की तो कोशिश कर ली, अब ये सोचे कि डर के मारे ही कर लें। मैं कहा कुछ जो होना है वो तो हो गई रोएगा, मैं समझौता नहीं करना बिल्कुल भी। तो बस उस दिन के बाद फिर मेरी माँ ने भी कहना छोड़ दिया और फिर ऐसे ही फिर ये लड़ते लड़ते फिर ये फैसला आ गया। समाज के जो पुराने नियम है उनको तोड़ने में कौन कौन को देता तकलीफ? एक तो हमारा जो ये पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, ये नहीं, नौजवान आदमी की बुद्धि कम काम करती है, वो सिर्फ अपने तुरंत के प्रभाव को देखता, उस स्वाद को देखता, बाकी आगे पीछे का ज्ञान नहीं होता, उसका तजुर्बा इतना नहीं होता। एक जो हमारे हरिजन ऑफिस सर थे वो सोचते हैं सब कुछ एक हो जाए, जो हमारे सामने दिक्कतें आती हैं। एक हमारी ये जो असभ्य जैसी बहन बेटी, सभी नहीं, सब एक जैसी नहीं होती, हमारी जिद की रखवाली होती है, लेकिन जो असभ्य जैसी हैं वो भी ये सोचते हैं सब कुछ एक जैसा हो जाए पशुओं की तरह, और ये परंपरा पुरानी जो है ना ये टूट जाए तो तुम्हारी मौत रहे। ऊंची जातियों के पास ही हमारे यहाँ पे जमीन का मालिकाना हक है। वो लड़की उदाहरण के तौर पे अगर अपने गांव के अंदर किसी दलित लड़के के साथ जो भूमिहीन तबकों से आते हैं उनके साथ अगर शादी का रिश्ता बना ले तो उस शादी के अस्तित्व में आने मात्र से ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो हमारे यहाँ पे जमीन के जो मालिकाना हक के जो रिश्ते हैं और इसी तरह से जो पितृ सत्ता का जो गलबा है, मतलब ये तीनों एकदम बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की जो है, मान लिया वो ऊंची जाति से भी है, उसने अपना जो संपत्ति में अधिकार है, आज वो अगर शादी के मामले पे हॉस्टाइल हुई है तो कल संपत्ति के मामले को लेकर हॉस्टाइल होगी, कल को उसने अपना जमीन में अधिकार भी ले लिया, वो अधिकार लेके जमीन का प्रॉपर्टी का जो मतलब जो भूमिहीन थे वो उनके पास शिफ्ट हुआ वहां से, तो वो पूरी एक पावर शिफ्ट हो रही है उसके साथ, और कल को फिर उस दंपत्ति से जो संतान पैदा होगी, जो बच्चे पैदा होंगे, मतलब वो जरूरी नहीं है कि उनकी जाति, मतलब वो अपनी माँ की लिखें या जिसकी भी लिखें, वो भी फ्रीली अपने चॉइस उनके पास रह सकती है। और इस तरह से मतलब जो पूरी जाति व्यवस्था है, ये जो संसाधनों का वर्गीय जो बंटवारा है और ये जो जातिवाद है, इस प्रकार से मतलब इसके लिए एक खतरा पैदा होता है इस चॉइस मैरिज की बदौलत। अपना डिसीजन अपने आप लेंगे। जो तुझे ने भाई बहन का ब्याह करा दिया है चौधरी, भाई बहन का ब्याह करा दिया है, मौका क्या देना है, भाई बहन है, राखी बांध दे छोरी छोरे को। हाथ खापने एक आदमी को भी नहीं मारा है, यदि कोई सिद्ध करके बता दे अब एक आदमी को खाप मारा है तो हम उसके दंड के अधिकारी। कभी भी खाप, कभी भी किसी को ऑनर किलिंग के लिए कभी नहीं कुछ बोल करती, और ये बिल्कुल गलत दिखाए इन्होंने। खापों को बदनाम किया जा रहा है, ये देश खत्म हो जाएगा। फिल्म में पूरा हरियाणा जब तक बोलते पगड़ी से मार जट्टा, जब देश के टूटल फटते हैं, जब डांट याद आता है इनको, उसके बाद डांट की जरूरत नहीं है। अब की दफा लड़ाई होगी जब दिखा देंगे क्या झटका होगा इस देश के लिए। बहुत यही पता नहीं खाओ क्या बोलता है, आपने न्याय करती है देश की रक्षा के लिए अपने बच्चे। Mm-hmm.
बहन भाई बना दिए सती फिर कविता तो बच्चा बेदखल बना दिया बच्चा बोला ये बच्चे का नन्ना है उनका बाप को रहे आए नहीं लेकिन वो उसमें ये सच्चाई नहीं थी। उसमें क्या था कि दो गोत्र के लोग हैं बेरवाल और बेनीवाल। बेनीवाल मेजोरिटी में है। तीन गोत्र डाले थे तीन ताल रखे हैं जी। फिर इन्होंने पता नहीं जी तो बेरा पट्टा हुई हमारी देखी इन्होंने पंचायत कर गांव से बाहर आए। तो ढाई साल के बाद गांव के लोगों को पता लगा कि बेनीवाल है। तब तक उसके एक बच्चा हो चुका था ढाई साल में। तो वहाँ रिजेंटमेंट हुई बेनीवाल वालों ने इसका विरोध किया भाई हमारे गोत्र की तुम क्यों लेके आए मेरी प्रॉपर्टी तो सतीश बेदखल कर दिया समझे ना आज अबला जमीन की बोली ठुआ देंगे इनकी नीलाम कर देंगे जमीन और गांव से बाहर कर दो इनको मैं लड़के का नाना बना दिया और 3 लाख रुपए जुर्माना और मेरे मुँह में जूता डाला। उस समय किसी ने जो है ना वो पता लग गया कि भाई ये तो लड़की का दयान है और ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी बहन है अब हम बहन को जो है ना वहाँ घूंघट में कहे देखेंगे भाई ये वो लव मैरिज नहीं है वो लड़का लड़की बात करने गए ये सारा परिवार ने ये जोरदार करके शादी की। हमारे केस में ये राज सिंह कादयान है ना जो ये इस रघुवीर कादयान के उस पे खिलाफ में था। अच्छा। तो ये सोच रहा था कि इसका ये रघुवीर कादयान नीचे चला जाएगा और मैं इसमें छा जाऊंगा इस पे। कर्नल क्या जनरल कुछ रिटायरमेंट हो गया है तो वो सोच रहा था कि मैं आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा खुद ही अपने आप ही नेता बना था वहाँ आके। वो 2-2.5 साल हो गए थे शादी को और 1.25 साल का बेटा था जब हम गए तो राखी से पहले और तीज के बाद ऑब्जेक्शन उठा था और सरपंची जो थी वो बिल्कुल पास थी। रामपाल जी का वो तो दैया है और मेरा हुंडा का मिल तो नहीं रहे ना तो ये कह रहे थे इसका इसका राखी है और इसका दैया है राखी है इस गांव में झूठा ही पंगा उठाया था वैसे चप्पल भी नहीं डालने दी थी नहीं चुन्नी कुछ नहीं डालने दिया था वैसे ही निकाल दिया जाओ नहीं आते भाई आपका मार काट हो जाएगी। जगमती मुझे पीजीआई में लेकर गई थी मेरी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं तो उस प्रेगनेंट की वजह थी तो ऐसी हालत हो चुकी थी कि मुझे सदमा लगाए कोमा में चले गई थी मुझे यही पता खून की उल्टियाँ फटने लगी आने लगी और पता ही नहीं चला मुझे क्या हो रहा क्या नहीं। ये परंपराएं हैं और उनका निभा हम बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं। जो परंपराएं हैं वो हृदय के गति से देखते हैं कि भाई इसमें हमने जो है उसके अंदर दया उपकार ये चीज़ें आती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के अंदर जो बिल आ जा रहे हैं
उसमें अपने सुझाव रखे, सुझाव तक सीमित रहे कि हमें क्या करना चाहिए। खाप पंचायतों की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है, ये आह्वान करने के लिए नहीं बनाया गया। उन्नर किलिंग से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। आप अपने आप इस खाप को ऊपर ये बात मत होने। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे खिलाफ जो फैसला दिया है उसमें सिर्फ हमारे को इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह गए, और ये साथ में कह गए कि जो ओनर किलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ दी खाप पंचायत, ये उसके अंदर पड़ेगा। उसकी एक भी सबूत नहीं है कि किसी पंचायती को आज तक पार्टी बनाया गया ओनर किलिंग में, और कोई किसी खाप का प्रधान को उसके अंदर, सिर्फ एक प्रधान को इन्वॉल्व किया था कोड़ा वाला केस में, उसको भी हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। वो वही हुआ है ना, मेरी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस ऑफ द फोर कॉन्विक्ट्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन द मनोज बाबली मर्डर केस, एंड द अक्यूज्ड इंक्लूड द प्राइम कॉन्स्पिरेटर गंगा राज हु हैज बीन अक्विटेड। करनाल कोर्ट हैड प्रोनाउंस्ड डेथ फॉर फाइव एंड लाइफ सेंटेंस फॉर टू अक्यूज्ड फॉर किलिंग मनोज एंड बाबली फॉर मैरिंग विद इन द गोत्र। लो इसमें तो यही है, इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। फोटो किसकी है? उसकी माँ की है। सराज मेरे से बोलना नहीं चाह रहा। जेल के अंदर बैठे बैठे सुपारी दे रहे हैं तो ये बाहर आ गए, हमें और भी खतरा बढ़ गया। ये सुपारी ये सीमा की देई थी जो ये जेल के अंदर फांसी की सजा भुगत रहे थे, इनको एक ये निबरी गांव पानीपत का था, इसको 25 लाख की सुपारी देकर मेरी बेटी का मर्डर करने को मधुबन कॉम्प्लेक्स में भेजा था। जो पुलिस मनोज बबली को छोड़ने के लिए जा रही है वो पुलिस ये कह रही है कि भाई ये गाड़ी तो पीछा कर रही है, कार जो पीछा कर रही है उस कार को पुलिस चेक कर रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स देख रही है कहाँ से गाड़ी क्यों पीछा कर रहे हो। मीनवाइल ही एक मुलजिम वो वहाँ पे पहुँच जाता है और उस गाड़ी को छुड़वा, गंगाराज मुलजिम वो पहुँच जाता है और वो उस गाड़ी को छुड़वाने की कोशिश करता है, और पुलिस को ना छोड़ने पर वो एक किसी को टेलीफोन करता है और उस प्रभावशाली आदमी का टेलीफोन फिर वहाँ आता है और उसके बाद वो गाड़ी छोड़ दी जाती है और वो इस केस में मुलजिम है, और उस मुलजिम के लिए कोर्ट कहती है कि इसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। जा नहीं सकते, हमेशा पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ता है, तो ये कोई जिंदगी थोड़ी ही है। लेकिन फिर भी आजादी से आदमी कहीं भी घूमे फिरे कोई भी काम करे तो वो होती है जिंदगी। तो एक तो घर से बच्चे गए, ऊपर से लड़ाई लड़ रहे हैं और ऊपर से कैद में रह रहे हैं। जहां जहां मतलब जो गुपचुप कुछ कुछ होता होगा ना उसे समाज का मतलब कोई लेना देना नहीं है। समाज के दोषी वो है जो समाज के सामने निखर के आता है कि विश ने ये दोष किया है, बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका कोई मतलब है, कोई समाज कभी नहीं पूछता है। हमारे निकटवर्ती गांव मटोर जो कि हमारे शीम शिमाली का गांव है, वहां का एक लड़का हमारे गांव की एक लड़की को लेकर गया है। यह मामला न सिर्फ लड़की को ले जाने का है बल्कि हमारे शीम शिमाली में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने का मामला है, और जिन लोगों ने हमारे बहन भाई के इस रिश्ते को कलंकित किया है उन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे।
नहीं, क्या मनोज बबली कांड यहाँ भी दोहराया जा सकता है? देखिए, अगर कोई ऐसे कुकर्म करेगा तो ऐसे कांड तो दोहराए ही जाएंगे और इस तरह के समाज में जो कड़े कदम हैं उठाए जाएंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है। हम बुराई को खत्म करेंगे, हम बुराई को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। पहले भी बनवारा खाप ने किया है, आगे भी बनवारा खाप करती रहेगी, पूरा समाज करता रहेगा। और इस मामले में तो सभी खापे हमारे साथ हैं। मेरी कई खापों के प्रधानों से बात हुई है, उन्होंने हमसे स्पष्ट कहा है कि अगर बनवारा साहब को बनवारा खाप कोई भी कड़ा फैसला लेती है तो पूरी खाप पूरा समाज उनके साथ है। एक गुआंडो था, फैसला तो 2.5-3 कोस का है। अच्छा मान का तो कर गया, इसमें था क्यों नहीं, इतनी खास बात नहीं थी क्या ना, जहर विरोध भी जो खम खाई मारा गया उधर गुआंड में, गोत न्यारा गाम न्यारा पंचायत बंद होगी जिम बस दुनिया पंचायत है, वो बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। गलत फैसले लेते हैं लोगों के, छोरियां ने मरवा गई है, घर जाड़ है। माड़ी बात नहीं करी थी, इनकी शादी करी थी, इनकी किसी का डाका कुछ मारा था, वो मनुष्य कुछ मारा था। बनवारा खाप ने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं और भविष्य में भी जो ये कदम होगा वो बहुत ही कड़ा होगा और किसी भी कीमत पर रिश्तों को कलंकित करने वाले इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर हुक्का पानी बंद की बात हो, बहिष्कार की बंद की बात हो या गांव निकाले की बात हो, तो ये किन किन मुद्दों पर इसके किन मुद्दों पर यही है ना, जैसे अभी मैंने बताया भाई, जैसे खास ज्यादातर तो यही मुद्दा, मोटा मुद्दा तो यही है, हाँ जो ये गोत्र का है ज्यादातर मुद्दा, और बाकी गांव निकाला ऐसे खाम खा किसी को नहीं देते। बलात्कार या हत्या के मामले में आप गांव निकाला देते हैं? नहीं देते। जैसे जैसे आदमी जागरूक होता जा रहा है, चाहे वो कोई मतलब कोई भी है, औरत है या कोई भी, तो इनको एक अंदर ही अंदर डर महसूस होता है कि जो एक कुर्सी पे ये हमेशा से बैठे रहे हैं और वो कुर्सी मतलब हिलनी शुरू हो चुकी है इनकी, तो एक डर तो होता ही है कि ये मतलब कहीं छिन ना जाए हमसे, जो हमारी प्रधानता है, जो हमारा वर्चस्व है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। पेरेंट्स ये चाहते भी है ना कि चलो बच्चा इतना दुखी हो रहा है तो इसकी कर देते हैं मैरिज, लेकिन उसके ऊपर सोसाइटी का इतना दबाव है, जो ये कास्ट के ग्रुप बने हुए हैं, जो ये कास्ट की कास्ट पंचायतें हैं, तो जाति जो जाति की मानसिकता ना ये इतनी ज़बरदस्त है दिमागों के अंदर कि उनके लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल बात है कि वो उनके लड़का या लड़की की शादी दूसरी जात में हो जाए। ये सारी मानसिकताएँ तैयार करती हैं कि वो सो काल जो इज्जत है उसके नाम पर वो लड़के अपने जो जिसको हम इतना हद से ज्यादा प्यार भी करते हैं, उनकी इच्छाओं का पूरा ध्यान रखते हैं, उनको भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यार पे कोई जोर नहीं है, जात पात की डोर नहीं है, क्यों ना? मैंने तो फॉर्म रिटन पानी पर सडनली आई थॉट देयर माइट बी सर्टेन टीचर्स हु विल नो माय ग्रैंडफादर एंड आई थॉट ओके डू आई वांट देम टू रिकॉग्नाइज मी कि ये उनकी देवती है, एंड इफ़ आई वुड लाइक टू स्टेज इट दिस प्ले, कितना ज़रूरत है मेरे फेस को वहाँ पे रिकग्नाइज किए जाने की, कि ऐसी सोच हो गई है इस लड़की की यहाँ से वहाँ जाके। सो आई वाज थिंकिंग इफ आई डू इट आई बी देयर एज अ फेस इन द प्ले, नॉट देयर एज अ पर्सन हु इज मेड द प्ले। पहला एक्सपीरियंस होगा हमारा कि हम हरियाणा में परफॉर्म करेंगे। आज मार ही है राघव। एंड व्हेन आई वेंट बैक होम माय नाना जी आस्क्ड मी हाउ वाज इट, लाइक इट वेंट नाइस, लाइक डिड पीपल कम एंड प्रेज यू, दे टॉक टू यू,
I said, no, it was the other way around, and that makes me feel as if the play worked. Like, aisa kya hai tumhara play? It's like, hamara play is against the people, jo agar koi apni marzi se shaadi kar raha hai, bhaag raha hai, to unhe maar dete hai. His abrupt question, to tum kya keh rahe ho, apni marzi se shaadi karo, ghar se bhaag jao. And he got up and he left. इज्जत ना जाए प्ले वॉज नाइस बट किलिंग ऑफ समबडी इज नॉट मे बी दे किल बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट ऑन अदर्स एंड विदाउट दैट दिस इज अ काइंड ऑफ मोरल इफेक्ट दैट यू टेक वंस लाइफ आई डोंट थिंक सो दिस इज अ मोरल इफेक्ट व्हाट वी हैव बीन लर्निंग सिंस मेनी ऑफ आवर क्लासेस दैट वी शुड नॉट इवन ट्रबल द दोज एनिमल्स You know, so how can we kill a human being? It's a social animal. In case you have a daughter and she runs away with a boy, would you not be insulted? Yeah, I will be insulted. But that's killing not is like, killing. हम उसे मार नहीं सकते. Honor killing. Killing is killing, yaar. What? See, if society wants you to kill that person, because but for society you can't kill. But kill that to gain your respect. I think our society gives more meaning to respect than killing somebody. उस टाइम पे घर से निकली तो हर बार ये पूछना होता था पापा मां चली जाऊं या भाई छोड़ा लेकिन अब मतलब मुझे कहाँ पे जाना है किससे बात करनी है मुझे कौन सा काम किस टाइम पे करना है ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे आके ही सीखी हूँ दूसरा जब हजार लोगों की जिंदगी के बारे में देखती हूँ जिंदगी की वास्तविकता से ना रूबरू हुई हूँ मैं अब वो मतलब ठोस जिंदगी से मेरा सामना हुआ है हमारी समस्या का एक पहलू यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि ओवरऑल स्टेटस ऑफ वुमेन इन हरियाणा विल डिसाइड व्हिच टाइप ऑफ लाइफ विल बी प्रोवाइडेड टू अस कुल मिला के हरियाणा के अंदर महिलाओं की स्थिति जो है वो निर्धारित करेगी कि मेरे दफ्तर के अंदर मेरी नौकरी के अंदर मेरे घर के अंदर मेरे साथ किस तरह का सलूक हो बीच में उसने मेरे पास फोन नहीं किया जब मैं 3 महीने घर पे कैद थी फिर वो चीजें मेरे दिमाग में तैयार ही हो रही थी कि भाई इतनी वो तो मैं बच गई हूँ मतलब जिंदा हूँ इसलिए मैं वो नहीं कर पाई नहीं तो मर भी जाती हैं लड़कियाँ इतनी तो ऐसा लड़का जो मतलब इस सिचुएशन में भी आपके साथ नहीं हुआ वो आगे जिंदगी में क्या साथ देगा मेरे पापा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्योंकि लड़का तो था नहीं कि जिससे मैं भाग के मैरिज कर लूंगी एक चीज तो ये थी जो मुझे बचा गई इज्जत के नाम पर जो आजकल हत्याएं होती हैं उसके बारे में हम पता करते करते यहाँ तक आए थे मार देना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है तो हत्या है हत्या करना तो बहुत ही बुरी बात है इससे बेटर तो मतलब जो ना ये बात है उनको गोत्र से ही निकाल दो नहीं गोत्र से निकाल दो भाई हमारे गोत्र में तुमने शादी कर ली अपना गोत्र छोड़ो और कुछ और ऑर्डर आउट करो आप मारने से समस्या हल नहीं हुई दोनों तरफ से वो पूरी जिंदगी प्रतिशोध की आग में जलते रहेंगे प्रेम विवाह करना ये लोग इसको खिलाफ हैं इसके ये प्रेम विवाह है ये तो किसी जाति का कोई लड़की किस जाति है लड़का किस जाति का है वो उर्द फरार हो गए शादी कर ली जो आदमी इज्जतदार है उसकी लड़की बैठ गई वो उसने मारा ही मारेगा क्योंकि आगे उसको और बच्चे हैं उनकी शादी को नहीं हुए कह लेने को नहीं तेरी लड़की तो गई बैठ उसका लड़के ही शादी कौन करेगा कोई भी कौन करे आगे उसका वंश खत्म हो गया लड़की पे ज़्यादातर बंधन होते हैं घर में उसको चार दीवारी में रखते हैं कभी स्कूल से घर घर से स्कूल ऐसे ही चलता रहता है अगर लड़की पे दबाव ना दिया जाए तो लड़की भी आगे कैरी बनेगी अगर लड़की पे ज़्यादा दबाव डालेंगे तो वो खुद अपना
मतलब उसको डर महसूस होगा कि ये मुझे ऐसे ही बंधन में यहाँ रखेंगे, ऐसे ही आगे शादी करके भेज देंगे। अगर उसकी चॉइस पूछ ली जाए, उसको खुले में रखा जाए, लड़कों की तरह उसको बराबर अधिकार दिया जाए, तो लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी। इज्जत के बारे में आप पूछ रहे हो, मैं ही हूँ, मैं आपसे औरत हूँ, ठीक है, मैं ही अपने आदमी के साथ या पति के साथ या परिवार में रहती हूँ, तो एक भाई मतलब अच्छी बहन हो तो वो भाई मेरा मेरी इज्जत करता है, या मैं पढ़ी लिखी हूँ तो सब लोग मतलब अपने माँ बाप का नाम रोशन किया या कुछ भी है तो सब लोग उससे मेरे बाप की इज्जत बनी, ठीक है, आगे शादी कर दी, शादी करके यहाँ आई हूँ, तो अगर मैं सही तरीके से रह रही हूँ, अच्छी पत्नी बन के रह रही हूँ, सही काम कर रही हूँ, सही, तो उन लोगों की इज्जत कर बना रही है, उससे तो परिवार की इज्जत हो गई, ठीक है। इज्जत के पैमाने समाज में कौन तय करता है, औरतें मर्द दोनों करती हैं, सिर्फ मर्द करते हैं? मर्द ही करते हैं ज्यादातर तो। नहीं, ये तो गलत है। हमारे यहाँ औरतें बड़ी शर्म लिहाज करती हैं और लोगों की इज्जत करती हैं, यहाँ तक हमारी औरतों के दिमाग में ये होता है कि जहाँ चौपाल में मर्द आदमी बैठ के पंचायत किया करते थे, वो उसकी तरफ घूंघट करके निकलती थी। अब भी कुछ औरतें जो बुज़ुर्ग हैं वो इस विचार की अब भी हैं, हमारी औरतें हमारे से बाहर नहीं जाती, इसीलिए मीडिया को और दूसरों को ये लगता है कि हम औरतों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। काम कर भी आए करा भी गए तो यहाँ मर्द नहीं करते काम, औरतें ही करती हैं। औरत करती है, मर्द कोई ड्राइवरी में है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई दारू पीता है। दारू पीवे है, ताशा खेलने हैं, बीरबानी खेता में काम भी नहीं करते, और सांझ का जाकर बढ़िया खाना मांगे लुगाइया ने कूटे फेरे लठाते। पहले तो यहाँ ये सिस्टम था ना, लड़का लड़की बात ही नहीं करते थे, बात नहीं कर सकते थे, वो बहुत बड़ी दूरी बनी रहती थी। एजुकेशन से ये प्रभाव तो समाप्त हुआ, आपस में बात कर लें, वो मित्रता की तरह ये भावना तो पैदा ही हुई है यहाँ, इसका तो पॉजिटिव ही है ये बात। तो हर परिवर्तन में तकलीफ तो होती है, आप किसी परिवर्तन में देख लो, चाहे इसको संक्रमण काल कह लो, मतलब ये तो होता ही चलता रहता है, ये तो चलेगा वो तो, और सिर्फ उसकी बात नहीं, हम बूढ़े हैं तो हमारी चौधर घुसा हमें भी तकलीफ होती है। तो सिस्टम में जो है ना, ये मॉडर्नाइजेशन जो होगा ना, मामला पाश्चात्य सभ्यता की, पाश्चात्य सभ्यता में जो है ना पढ़े लिखे और उसमें विश्वास करने लग गए, तो इसलिए थोड़ा सा पुराना ढांचा थोड़ा फेल सा होता दिखाई देता है। यूथ का तो दिमाग जो है ना दूसरी तरफ चला गया, आपा धापी होगी, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, लोग मनी माइंडेड हो गए, आप पढ़े लिखे अपने नजरिए से देखते हैं। अब भाई इनको पता लगेगा जब लड़ाई लगेगी ना कभी, तब रोएंगे बैठ के। अब तो ये कहते हैं चमार भी हमारे रेजिमेंट में होनी चाहिए। तो ये आएगा टाइम जब इनको ये भूल का एहसास होगा। बिल्कुल होगा, ठीक है। और फिर करें लड़कियों को भी फौज में भर्ती कर लो। अरे भाई वो महीना अपना माहवारी संभालेंगे या बच्चों को संभालेंगे या फौज में लड़ाई करेंगे, वो बंदूक उठाएंगे, ये इसको दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। लोग जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं कोशिश कि भाई बच्चे रहें और मान्यता बनी रहे, समाज बना रहे, लेकिन आज आपकी बात सही है कि खा पंचायत काफ़ी निचले स्तर की तरफ जा रही है। चरित्र में कितनी बातें आती हैं, सत्य बोले, चोरी ना करे, किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखे, वो परोपकारी हो, हैं, वैदृढ़ता हो, अंतर्मुखता हो, यानी ये कितने आचरण मतलब है ना चरित्र के। लेकिन हम प्रमुख किसको मानते हैं, ब्रह्मचर्य को। जो आदमी इससे गिर जाता है, हम ये मानते हैं वो चरित्रहीन है। आपको मैं कुछ बताऊंगा, अगर स्टडी करना हो तो कभी अपने यहाँ है एक मनुस्मृति, उस मनुस्मृति में आप जो चाहेंगे वो ढूंढ लेंगे, किसी सब्जेक्ट के ऊपर भी उन छोड़ा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है,
हमारे घर से रहने से लेकर राज्य तक, न्याय से लेकर के और सब प्रणाली उसके अंदर लिखी हुई है। जो पाओगे ना, जो निर्गम समस्या है वो मिलेगी उसके अंदर ढूंढ। हमारी संस्कृति ना बदले, क्योंकि हमारी संस्कृति में सुख शांति समाई हुई है। शहरों में भी सेम वही मेंटालिटी है कि शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं, दो परिवारों की होनी चाहिए और वो परिवार दोनों बराबर के होने चाहिए, तब लड़के लड़की की शादी होगी। अब बच्चों को मार के कैसे अपनी इज्जत बचाई जा सकती है, मुझे समझ नहीं आता। Somewhere you have to sacrifice even when you're protesting. So you know, that's what I want to tell. Some people think that, you know, resisting is the most comfortable, easiest thing. It is not. I have had been doing it for many years and now I realize I don't have the energy to do it anymore. You know, I'm not a kid that I'll fight for, you know, ye chahiye, wo chahiye, aise ghoomne jana, waise jana. Eventually, you know, you just get aversive to all these things. You think, you know, chuck it, you know, the more important things in your life, which is not a very easy decision and it doesn't give you enough happiness. But yes, in a way you find a reason. कल महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम शहर में, तो उसमें फिर आज मीटिंग कर रहे हैं आप लोगों की, आपकी कॉलोनी की। ठीक है, हाँ, तो यही बाप शामिल हो जाओ सारे मीटिंग। हाँ, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी ले आओ। हाँ, चलो आंटी। वो उधर गई है राखी रिश्ती। हाँ हाँ, उधर गई है। अच्छा आंटी, चलो एक बार यहीं पे, ज़्यादा दूर नहीं, बस इसी गली में एक मीटिंग कर रहे हैं, चलिए। भाई नहीं, बेरा तो बता देंगे हमें। चलो, इतने लड़का लड़की मरते हैं, एक आध की घटना आ रही है, बाकी पता नहीं कितनी मरती हैं। मैं 10वीं में थी, तब मेरी एक क्लासमेट थी, वो इंटेलिजेंट लड़की थी, तो ये पता चला कि उसको मार दिया उसके घर वालों ने। उस टाइम पे हम भी यही सोचते थे, उसको ये कह के कि भाई वो किसी लड़के के साथ थी, गंदी लड़की थी। ये मतलब जो चरित्र की जो परिभाषा ना, ये भी बदलने की ज़रूरत है। बुढ़ापा पेंशन बढ़नी हो, विधवा पेंशन बढ़नी हो, बच्चों के लिए कोई स्कीम आ गई, महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए कोई आ गई, तो पता नहीं चलता। उसके लिए आप एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी की मीटिंग रखवा लो किसी दिन। ये केवल औरतें हैं, हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा हो गए, उनमें महिलाएं भी, आदमी भी, सब जब जाते हैं ना, उसका असर पड़ता है। आंटी आ जाओ, एक मीटिंग कर रहे हैं, एक बार आइयो, आ जाओ ना। आप लोगों ने ही तो फैसला लिया था कि जिसकी बहू बेटी भागेगी उसका हुक्का पानी बंद। प्यार करने तो तू भी गया था। प्यार प्यार करने तो तू भी गया था। क्या कर रहे हैं? द लास्ट सीन ऑफ अ प्ले, जब पगड़ी होती है और हम उसे गिरा देते हैं। बिलीव मी, दैट वाज द टफेस्ट डिसीजन प्ले के लिए, कि क्या हम इसको ऐसे फेंक दें। I used to be one of the girls जो गिराती थी। Used to be tough for me to throw it because बचपन से I have seen my nana caring so much for his पगड़ी, शादी में कुछ भी। There would be things like press करो, चरख करो, खड़ी रहनी चाहिए उसका कलगी and all। इतनी देर तपस्या करी तो जीत मारी है, नहीं लग जा रही है ना। नहीं, आप ना खेलेंगे।
उनकी मुलाकात कैसे हुई दोनों की? वो वहाँ पे वो जो टीवी जो मैकेनिक होते हैं ना उनका काम सीखता था और वहीं स्कूल के पास सामने थी उनकी दुकान, तो वो स्कूल में आती जाती थी, तो बस इसी करके हुई होगी उनकी जान पहचान मुझे लगता है। ये माँ जी, हाँ, ये मनोज, ये सीमा और ये रेखा छोटिया के है, छोटी थी सीमा कौन सी? ये तो मनोज है, मनोज ये रेखा, ये काया सीमा। छोड़ छोड़ नहीं नहीं, ये जो कुरुक्षेत्र है ना अपना ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर की है ना ये बबली आ गई, ये शादी के पहले की है, कितनी मासूम सी है ना। गोल्डन मोमेंट्स है, सच्ची में ही है। सब कायदे कानून, सारे नियम, सारे रीति रिवाज, जो सारी परंपराएं, वो एक औरत के ऊपर ही लागू होती हैं और ये सोचते भी हैं लागू करने की। जैसे बबली थी या कोई भी और लड़की है, जब वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ये काम करूंगी, तब मतलब इनकी इज्जत में फ़र्क पड़ जाता है, फिर उसको मारने पीटने या बिल्कुल जान से ही मारने तक ये मतलब पहुंच जाते हैं। जैसे कानून भी समय के अनुसार बदलता है, तो परंपराएं ऐसी क्या चीज़ होगी कि उसमें उनको बदला नहीं जा सकता? आदमी के लिए ही बनाई गई है ना परंपराएं, परंपराओं के लिए नहीं है आदमी। तो फिर जब उन परंपराओं से आदमी को दिक्कत हो रही है, तो उन परंपराओं में क्यों नहीं बदलाव होता?